फायदा उठा रहा है। सही है भाई, चलो अब भी कोई एंट्री करी नहीं है। भाई लट पड़ रहे, लट पड़ रहे बंदे के। मजे आ रहे देखो। और एकादशी कभी माँ नहीं है तो अपने आप को समझ। गाइस जो तुम मेरी हालत देख रहे हो, सबसे पहले वेलकम। तुम मेरी हालत देख रहे हो, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल लंबे, पता है क्यों नहीं कट पा रहे? क्योंकि यही बात है, आज एकादशी है, आज ये है, आज वो है, आज मंगलवार है, शनिवार है, आज ये है। तो भाई कब जब मन करता, जब कुछ ना कुछ होता, मैं क्या करूँ? मैं भी चाहता हूँ मैं थोड़ा स्मार्ट बनूँ, दाढ़ी वाड़ी कटवाऊँ, बाल सेट करवाऊँ, पर यार नहीं चाहते ही नहीं घर वाले। फुद्दू ना रखा, देखो यार, देखो शक्ल, देखो कैसी हो गई है। मेरे से मेरे सुंदर कुत्ता है यार, मूड ख़राब कर दिया एकदम गलत। और भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, इतनी देर हो गई है और मैं हो रहा हूँ बावला गाइस। जब मैं खाने इतना पागल जाता हूँ। अंदर तेरी बहन की, अंदर चल, अंसल जल्दी जा, जल्दी जा। सो गाइस मेरे को बताओ यार, मेरे को बहुत मत्था खराब हो रहा है, मुझे कुछ बताओ कंटेंट आज क्या करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि व्लॉग में क्या बनाए। ये हमारा एक व्लॉग हिट हो जाए, हम फेमस हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ करा दो गाइस यार, कुछ करा दो यार भगवान, कुछ मेरे दिमाग में डाल दो कि मैं कुछ डाल दूं, मैं कुछ कर दूं, मैं मिलियन आ जाए, फेमस हो जाऊं, कुछ बता दे मेरे भाई, गुस्सा हो रहा है। सो सबसे पहले जी, अरे यार बोलो जय श्री राम। अभी तो मैं दिखाता हूँ, राम जी की फोटो आई थी बहुत प्यारी वाली। और गाइस यार मेरे को ना नया फोन भी चाहिए, बट यार मैं ना यार जिद नहीं करता हूँ घर वालों के साथ, ना सही बच्चे बन गया तो ना बहुत दिक्कत है इस चीज में। तो शरीफ मत बनो भाई, बदमाश बनो, घर में जिद करो, उससे कुछ होता है। क्योंकि मैंने देख लिया भाई, इतना सब समझ के सब करके 4 साल से एक फ़ोन चला रहा हूँ, घर वाले 15 चला रहे हैं, कोई 14 चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, और मैं 11 चला रहा हूँ, क्योंकि मैं मांगता नहीं हूँ भाई, बस ये दिक्कत है। इसलिए तुम भाई मांगो, जिद करो, घर पर कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। देखो अयोध्या टेम्पल देख लो भाई, ये जय हो। तो भाई अब आशीर्वाद मिल चुका है भगवान जी का, व्लॉग अच्छा जाना चाहिए आज का। और मेरे को फोन ले दे या मैं खुद ले लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फोन ना खुद लूंगा इस, इसलिए मैं जिद भी नहीं कर रहा हूँ। पर घर वाले फोन दिलाते ही नहीं है, क्योंकि दिलाते उसको है जो जिद करता है ना मम्मी। जो बच्चा समझदार होता है उसको तो कुछ दिलाते ही नहीं है जो समझता है। तो भाई शरीफत शराफत ना बहुत बेकार चीज़ है, मैंने अब छोड़ दी, तुम भी छोड़ दो, और तू भी छोड़ दे, साढ़े एक ही पहन के घूम रहा है इतने समय से, इसको भी दिलाओ कुछ। चल ठीक है गाइस, ओके अब मेरा गुस्सा शांत हो गया, अब बाहर चलते हैं। गाइस मेरे छोटे भाई ने भी मेरे साथ खाया है, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई छोटा, मेरा भाई गाइस मेरा बहुत बढ़िया भाई है, बेस्ट भाई है मेरा ये। चल लेट जा, आराम से लेट जा, आ जा लेट जा, आराम कर जब तक तेरा खाना बन रहा है मेरे भाई। एंड तेरे को पार्टी मिलेगी फिर से संडे को गाइस, इसको बिरयानी क्या कर दी नहीं तुमने यार, यहां दो शक्ल दिखाओ, तुम दिखाओ कैसे लग रहे हो, स्मार्ट दे कोई है, हैंडसम है, ये ऐसे भी थोड़ा हो गया। हां यस दैट्स नाइस। तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे, दोनों से भी मिल लिया, मम्मी अपना काम कर रही है, तो हम चलते हैं नीचे, हम जा रहे हैं नल के घर पे अभी थोड़ी देर के लिए, देखते हैं कुछ करना हो कर लेंगे। और बाकी मुझे काम भी था, मैं उसके लिए सामान लेता हूँ ज़्यादा क्या। पापा जल्दी फटाफट से मेरे को दे दो यार जो काम था। गाइस फिर वही हो गया, फिर वही हो गया, जैसे बाल निकल गए मेरे, तो कुछ काम था एक और कहीं जगह, हमें ऑर्डर लेने जाना था, नहीं तो भाई थोड़ा तो काम हम स्टार्ट कर लोग। मैं अब उस लिए भी टोक लगा दी कि कल से चांद भी आते हैं, कल से जाइए यार, मेरा तो मत्था खराब होता है यार इस चीज़ से ना। अब मेरे जूते कहाँ हैं वो बोले, एक तो ये पड़े हैं, ये किसने बाहर रख दिए हैं, और ये पता नहीं किसके जूते हैं। सो गाइस अब तो कुछ जूते भी ले रहे हैं, तो हमारे भाई ने सोचा है कि इसको जब खोलूँगा ना तो इसके अंदर सारे नाइकी जॉर्डन वॉर्डन सब पड़े होंगे, बट अभी जो तो जूते पड़े हैं ये नलिन के हैं, ये भी नलिन के हैं, मेरा ये है एक, और मेरे ये हैं, और ये मैं पहनता नहीं, ये मैं पहनता नहीं, और बाकी मैं कोई नहीं पहनता हूँ, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन से पहनूँ, ये पहन लेता हूँ, है ना सही लगेगा ना ये। अभी गाइस रील भी डालनी है अभी हमें, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी अगर नहीं करते हो तो फटाफट से कर दो। और आप मत्था थोड़ा सा ना मेरा, और आप गाइस को बताओ कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि
आज ये है तो आज ये मत करो, आज ये है तो मत करो यार, तुम्हारे अभी चलता है सीन सॉर्टेड, कि जो करना है करो, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस अभी मैं इसकी पार्किंग में हूँ और मेरा पहले आपको जैसे पता है कि मूड बहुत ख़राब रहा था क्योंकि मैं था भूखा, अब सही लग रहा है, थोड़ा सा ना एनर्जी आ गई और थोड़ा दिमाग शांत हो गया, वरना पूरा भाई तो कितना इरिटेट हो गया था, बट अब अच्छा लग रहा है, खाते ही ना मज़ा आ रहा है, इसलिए खाते पीते रहो भाई सुबह शाम, अच्छा खाते पीते रहो तो मूड भी सही रहेगा, मस्ती रहेगी। मैंने आज गाइस बाल शैम्पू खोल दिया, बाल कैसे कैसे लग रहे हैं बताओ, हुडी कैसी लग रही तुम्हारे भाई की? एक लड़की बोल रही थी कि लड़कों पे ऐसी हुडी अच्छी नहीं लगती है, चमकीले वाले, बट अब तुम्हारे तो तुम्हारे लिए पहन रहे हैं, तुम्हारे लिए पहन रहे हैं, अपने लिए पहन रहे हैं, तो इसलिए जो हमारे मन करेगा वो पहनेंगे। चलो देखो पर्सनैलिटी देखो यार, बस एक बार दाढ़ी और बाल सेट हो जाता है ना तो जाता है बढ़िया काम, बट फिर भी बस हाँ यार थोड़ी शक्ल की मीठी हुई है, थोड़ा ग्रूमिंग देखो बाल अगर ऐसे जाके वो रख लो पीछे ले बस कट करवा लूँ एक बार, फिर मैं तो कह रहा हूँ कि सिस्टम हैंग हो जाएगा। एक दिन फोर्थ फ्लोर पर आए ना हम, अभी कहाँ पे होंगे, इस रूम में ही भाई जी, ये क्या सोना बाबू बन गया है तुझे कहाँ जाने, मैं शक्ल देख मेरी कैसी चीज हो गई, शैम्पू कर लिया मैंने आज ना, देख बाल यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, और ये बताओ ये हुडी कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है। और एक लड़की गाइस बोल रही थी देख रहे हो आप, तो लड़की का ओपिनियन मत लिया करो, क्यूट टैंग स्मार्ट लग रही है, कौन बोल रहा है, तो वही तो इसलिए भाई किसी लड़की का ओपिनियन मत लिया करो, भाई का ओपिनियन लिया करो, मेरे को फोटो भेज दिया करो, मैं बता दूंगा कि अच्छी लगने लग रही, लड़कियों को अपना तो पता नहीं होता। कल मैं गया था फैशन वाला, नहीं क्या क्या पहन के आ रखी थी लड़कियाँ, हाँ बताई बता है वो? जल्दी आओ, जल्दी आ, आ जा भाई तो चाहिए तो मुझे बैठा हुआ सिगरेट खोल रहा था, वीडियो में ले लिया गाइस, अभी मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा था, इसने मेरे को बोला कि आईपैड देख, मैंने कहा पड़ा होगा इसका आईपैड पुराने वाला, बोले देखो गाइस पैसा पैसा हो तो ऐसा हो, देखो नया आई पैड ले लिया है, इसका पासवर्ड बताऊंगा इस क्या है इसका, अबे आके देख लिया अभी कैसे है, पर कौन सा है ये, ये गाइस मैं इसको लूंगा, मैं पता कब लूंगा, जब आप गाइस 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे तब लूंगा, तब करूंगा इसमें बैठ के एडिटिंग, ऐसा बनवाऊंगा अपना भी रूम, तो इसलिए भाई चाहते हो तुम्हारा भाई करेगा तो कुछ यार, तो सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो यार सब्सक्राइब कर लो, देखो इतना स्मार्ट सुंदर लड़का तुम्हें कहाँ फिर दोबारा मिले, अगर मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी भगवान ना करे तो छोड़, हमारी वीडियो में इसको बुलाए भाई लैम्बोर्गिनी, इसको बुला ले भाई, ये अपनी वीडियो पे रिएक्ट कर रहा है, इसको इसको बुला ले कि ये लेके आ वीडियो पे, गुड़गांव का है नहीं डालूंगा भाई, अगर मना कर दिया अब बोल भाई, रेडी हूँ मैं, यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी काट रहा है बंदा, देखो कैसी बातें कर रहा है, भाई जी देखो हमारे भाई ने ले लिया डायमंड से, कितने चल रही है तो क्या बात है, ये तो कुत्ते का पट्टा लग रहा है, मैं निकाल रहा हूँ भाई जी, ये देखो टुल्लू ने पकड़ लिया बहन के लोग, हाँ भाई सचिन अल्लाह वल्ला कर दे थोड़ा सा, कि खोल दो और धक्के वक्के वाला स्टार्ट कर दे, अरे बंदे देखना कितने सारे लड़के हैं, जैसे कि क्या ज्यादा पुलिस में चला जाए तेरे क्या कर ले, धक्के मार के साइड में ले गए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अभी छोड़ देंगे, देखियो अच्छा भाई तेरे में ही जान लग रही है बस, कोई स्टार्ट कर दे ना, कोई कर सकता तेरी जान, ये तो मेरे को ही कर रहे हैं, मैंने हाइप कर रहा है, मेरे को हाइप कर रहे हैं, कर दो भाई, दो लड़के तो पकड़ लिए, चलो गाइस देखते हैं क्या करना है, टू मैन डाउन,
टू मैन डाउन हो गए हैं। थ्री भाई अभी अब सबका क्रोध बढ़ेगा, सारे टूट पड़ेंगे, अभी गेट खुलेगा देखना। 43 एक बार तो कलेश होगा, होना चाहिए भाई, ये तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाई जज्बा तो बहुत है भाई, कलेश होने के बाद मैं सीधा गाड़ी पे चला जाऊंगा भाई। जनता तो बच्चे दूर दूर से नहीं आए, मैं तो कह रहा हूँ जनता पुलिस जनता को मार नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ एयरफेंस निकालो, सब यही नाच लगा रहे हैं। बहन चौधरी भी तो बढ़िया। अबे गाड़ी नहीं है हमारे पास, गाड़ी रखेंगे इससे बढ़िया। ये लोग लगाएंगे बेस टू लगा रखिए गाड़ी में, यहाँ तक गाड़ी नहीं है, अंदर ले जाते हैं गाड़ी भाई। तेरी गाड़ी गेट तोड़ते हुए जाते, उसका आई कार्ड लेना पड़ेगा भाई। बीटी उसको देखो भाई, वंस मोर खोल दे भाई, खोल दे। ये फुल गाइस जुगाड़ लगा रहा है कैसे एंट्री हो मेरी अंदर। इसको पुलिस वाले पकड़ के इतना मारेंगे ना, फुल थोड़ा लाल कर देंगे इसको। और यही करें, और वैसे निकल सकता है बंदा, एक बार निकल गया ना, ये निकल सकता, यहाँ निकल सकता, ये निकल सकता। बता यार देखो ज्यादा सुन, इतने में कूद के जा भी चलता था तो मैं बैठ जाता। ठीक है कैचिंग हो गई, तुम्हारा ध्यान वहीं था गाइस। ये अभी ना हम यहाँ खड़े थे, ऐसे मार रहे थे और ना गेट खुल गया है, और हमारे साथ था सचिन, वो भाग गया है और हम यहाँ पे हैं, और रुक ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ भाग गया एंट्री के लिए। यार क्या बंदा यार ये, मैम मैम एंट्री खुल गई, एंट्री खुल गई। हाँ भाई हो रही है, वहाँ से हो रही है। सही में हो रही है, वहाँ से हो रही है, आगे वाले गेट से, आगे वाले गेट से हो रही है। रख भाई इसको, मेरे पे तो एक है, चलना है क्या? अबे सचिन को देख भाई, सचिन कहाँ है, कहाँ भाग गया है वो, देख देख यही देख, वो तो नहीं खड़ा वाइट में, देखो भाई चलते अंदर, एंट्री होती है तो हो जाएगी। वैसे तो मैं कही था मैंने के भी स्टार्ट कर देंगे गेट। सचिन भाई हमें देखा है, उसको रोका भी है, रुका ही नहीं है भाई इतना। इसकी कौन सी ऐसी एंट्री थी अंदर जाने की, फेंक तो खा लेना उसको, फेंक क्यों ली क्यों थी चलो भाई कहाँ भागे थे भाई आप ये बताओ, आप कहाँ भागे थे ऐसे भागते ऐसे मार रहे थे आप भाई आराम से, पीछे देख भी नहीं रहे हो, कोई बंदा आ रहा है भाग गए और खड़े हो गए। मैं नहीं भागा, ये भागा हम आइसक्रीम खा रहे थे, ये तो मेरे साथ था। हां पता नहीं क्यों भागे तुम, गलत बात है, तू ही भागा, यही भागा, हम तो भागे ही नहीं। अब वो आइसक्रीम वाले ने इसको ऐसे पकड़ लिया, अबे असल को पैसे नहीं दिए हैं, भागना स्टार्ट कर दिया है, पैसे दे फ्री आइसक्रीम लेके भाग रहा है, और ये मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मजे आ रहे, देखो वन नंबर भाई भाग रहे थे भाई, की एंट्री हो गई है, अरे तो गाइस अब हम बाहर आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार फेस्ट था, बिल्कुल भी मजा नहीं आया अपने को, ना आवाज़ आई ना कुछ समझ आया, इसलिए हम जी बाहर आ गए हैं। अब ऐसे आईपीओ के फेस्टिवल में जाना ही नहीं है, बॉयकॉट आईपीओ, बॉयकॉट। पहले भी ऐसे होता था, अब भी ऐसे ही था, उम्मीद ही नहीं है, बेकार घटिया एकदम, सनम नहीं जाएंगे अब सीधा मार्श मेलो पे, यहाँ वो मजा ही नहीं है यार। है नलिन, अरे पब्लिक ही नहीं है वैसे, वो नलिन भाई इनको बता यहाँ मजा है जो सनम में मजा है, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल आवाज ही, बस समझ जाओ, सनम में तो लोग नंगे नाचते हैं, नंगे नाचते हैं, ये तो मैंने नहीं देखा कभी भाई। अरे मेरे तो मैं सो गया, मैं बता रहा था और क्या। अच्छा ये गाइस व्लॉग के लिए, ये व्लॉग के लिए कह रहा है इसलिए, तो मैं आपको ना सिर्फ वीडियो दिखाऊंगा, उसको डाल दूंगा, यहाँ देखना वो वाली वीडियो, ठीक है भाई। अब फट गई, फट गई, हमसे तेज चले गए यार,
चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कोई कोई वो हो खाने पीने का। चलो का ना के देसी बाड़क कम।